अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेट्स लवर। आज हम अपने कबूतर को खोलेंगे नहीं, आज इन सबको हम पिंजरे में ही दाना पानी करेंगे, बटेर को भी कबूतर को भी। बटेर तो हम वैसे ही खोलते नहीं हैं, कबूतर खोलते हैं, लेकिन इनको आज नहीं खोलेंगे, इनका दाना पानी चेंज कर लेते हैं। आज हम अब दिखाएंगे भी आपको कि हम अपने पेट्स को क्या क्या खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते, सॉरी जो हम नहीं खिलाते वो तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम जो खिलाते हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है, हम वो अभी बाद में बताएंगे आपको, पहले हम इनका दाना पानी चेंज कर लेते हैं। ये देखें, ये दाना पानी के बर्तन हैं, पानी कितना गंदा हो चुका है। जब तक हम इसके बर्तन धो लेते हैं, आप वेट करें। A few moments later, पानी के बर्तन धुल चुके हैं दोनों, ये दाने के बर्तन हैं। इसमें हम दाना डालते हैं पहले और बताते हैं कि हमारे दाने में क्या क्या मिक्स हुआ हुआ है। ये देखें, इसके अंदर लाल चावल है, कटे हुए भुट्टे हैं, गंदुम है, बाजरा है, और इसमें काला चना भी है। ये दोनों प्यालों में दाना डाल लिया है, अब इसको हम रखते हैं पिंजरे के अंदर। तो खुल भी नहीं रहा, बहुत तकलीफ दे रहा है जाने में, चला गया। देख सकते हैं आप लोग कितनी शौक से खा रहे हमारे कबूतर। एक हाथ से सही से जा रहा भी नहीं है, फंस फंस के जा रहा है। अब हम इसमें रखते हैं पानी, दोनों प्याले भर लेते हैं पहले पानी के, फिर खोलेंगे, फिर डालेंगे। ये खोल लिया, अब इसमें डालते हैं प्याला पानी का, अब दूसरा वाला भी डालते हैं प्याला पानी का। ये दूसरा वाला भी डाल दिया प्याला पानी का। अब दिखाते हैं आपको अपने बटेर, ये हमारे बटेर हैं। इनके जाल के पास आते हैं, इन्होंने जंपे मारना चालू कर दी। अब इसका भी दाना पानी चेंज कर देते हैं। आई हाई कितना गंदा है पानी, दाने के और पानी के बर्तन बाहर निकाल लिए हैं हमने। अब इसमें डालते हैं हम लोग बाजरा, ये बाजरा है और इसमें बारीक फीड मिक्स है। बटेर को हम खिलाते हैं बारीक फीड और बारीक बाजरा, ये हम इसमें डाल लेते हैं। फ्यू मिनट्स लेटर, बटेर का दाना पानी रख दिया हमने। अब हम आपको बताते हैं कि क्या खुशखबरी थी, और सॉरी गुड न्यूज़ थी। ये देखें, ये हमारा लग का पेयर है, इसने अंडा दे दिया। एक अंडा दिया था इसने, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो अंडा टूट गया, कैसे टूटा ये पता नहीं चला था। हम समझे कि बराबर वाले जो बच्चे उन्होंने अंडा तोड़ा होगा, इसलिए हमने उनको अलग कर दिया, तो ये वाला अंडा साबुत बचा हुआ है। मतलब यकीनन जो बराबर में पट्टे हैं उन्होंने इनका अंडा पहला वाला तोड़ दिया। अब एक अंडा है, देखते हैं इसमें से बच्चा निकलता है या नहीं। ये देखें, उठा के दिखा दिया हमने आपको, बस दुआ करें कि इसमें से बच्चा निकल जाए और थोड़ी सी आबादी बढ़ जाए हमारी कॉलोनी में। अब हम चलते हैं बाहर वाले परिंदों के लिए पानी डालने। ये देखें, मैंने आपको बताया था गर्मी बहुत शदीद हो रही है, तो आप लोग भी अपनी छतों पे ऐसे कुंडलियाँ रख के उसमें पानी डालें, जो बाहर वाले परिंदे होते हैं उनको आसानी हो जाती है। हम अपने पौधों में भी पानी डाल देते हैं।
अब चलते हैं हम नीचे और दिखाते हैं आपको फिंच की कॉलोनी। A few moments later. ये हमारी फिंच की कॉलोनी। चलो अंदर चले, आपको अंदर से घुमा के लेकर आते हैं। हम ही नहीं जा पा रहे, आपको कहाँ लेके जाएंगे। चले आ जाए। ये देखें, ये कंगनी। इसमें हमने तीन चीज़ें मिक्स करी हुई हैं। इसमें सावा है, बारीक कंगनी है पीली वाली, लाल कंगनी है। आप लोग को तो पता ही होगा कंगनी कितनी महंगी हो गई है, तो हम लोग सब मिक्स आइटम करके खिला रहे हैं। ये कैल्शियम पाउडर है, ये समंदरी झाग है और ये कैल्शियम का बार है। ये हमने इनको सुबह रोटी चूर करके दी थी। अब आपको हम मटकियाँ दिखाते हैं। ये हमारी तीन नंबर मटकी जो है, पहली मटकी दिख रहा नहीं होगा आपको, हम फ्लैश लाइट जला के दिखाते हैं। असल में अभी सब मटकियों के बच्चे बाहर निकल गए हैं। बच्चे हमने रख दिए ऊपर वाले पिंजरे में, इसलिए अभी ज़्यादातर मटकियाँ खाली होंगी। अगर होंगे भी तो उसमें अंडे होंगे। जैसे इस मटकी में देख सकते हैं आप लोग, क्या है कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें, एक अंडा है, छोटा सा झाँक रहा है अंदर से, पता नहीं आप लोग को नज़र आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। ये है हमारी दूसरी मटकी जिसपे नंबर दो लिखा हुआ है। माशाल्लाह से इसमें दो चिक्स हैं। वैसे कल तक तो इसमें तीन थे, एक पता नहीं कहाँ चला गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो हमारे चैनल पेट्स लवर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी एक नंबर मटकी जिसका नंबर तीसरी है, ये खाली पड़ी हुई है, इसके चिक्स बाहर निकल चुके हैं। ये छः, ये किसी की नहीं है, ये प्लॉट खाली है। ये वाले मकान में 5 अंडे हैं। चलो अब दूसरी साइड चलते हैं। ये भी खाली है, इस प्लॉट में भी कोई नहीं रहता है। इसमें है 3 बच्चे हैं, ये देखे नज़र आ रहे होंगे आप लोग को। बाकी ये सारे तामीराती काम इसके चालू हैं। घोंसले बनाने में भी चिड़िया लगी हुई हैं। ये हमारे सारे पेयर हैं। इसमें ब्लैक ब्रेस्टेड है, 2 भी है, एक ऑरेंज का मेल भी नज़र आ रहा होगा सामने। इजाबेल है इसमें और बाकी इसके अंदर सारे कॉमन हैं। ये देखें, ये इजाबेल का नर है, ये उसकी माँ जी उसके साथ ही बैठी हुई है। बाकी ये दो चिक्स हैं जो मटकियों में से निकल चुके हैं। ये हमारा ऑरेंज का मेल आ गया, ये इसी की मादा ऑरेंज की। बाकी कॉलोनी में आपको एक एक करके दिखाना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, पकड़ पकड़ के दिखाते तो आप सही से देख पाते, लेकिन इतने सारे पकड़ने में ना 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 मिनट की रहेगी। आज के लिए इतना ही।
अपना और हमारा ख्याल करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खुदा हाफिज। ये हमारी सीढ़ी है पिंजरे की, ये हमारे पिंजरे का झूला है, ये नेस्टिंग मटेरियल है, ये हम पहाड़ी पे से तोड़ के लेके आते हैं। पहाड़ी में जब बारिश होती है ना तो इसी बारीक घास से निकल जाती है, तो हम बारिश के सीज़न में तोड़